अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं बर्ड्स एक्शन टीवी। आज के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूं आप सबके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम अपने बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो वीडियो कम्प्लीट देखिएगा गाइज, आज मैं कम्प्लीट डिटेल्स दूंगा किस तरह से हम अपने बर्ड्स को हैंड ट्रेन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े पैरेट के हवाले से। हर एक पैरेट हैंड ट्रिम हो सकता है, चाहे वो लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, बजीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो या ग्रीन पैरेट हो। तो व्यूअर्स, बड़े पैरेट तो हैंड ट्रिम होते ही हैं क्योंकि उनको हैंड फीड कराया जाता है। सम टाइम हम करते क्या है, बड़े बर्ड खरीद लेते हैं मार्केट से जो कि ज़्यादातर जंगली होते हैं। जंगली होने की वजह से वो इंसानों से बहुत डरते हैं। जब आप केज के पास जाते हो तो वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, केज में इधर उधर होना स्टार्ट कर देते हैं, सम टाइम अपने आप को ज़ख्मी भी कर देते हैं। तो व्यूअर्स, उसकी बेसिक वजह ये, वो इंसानों से डरते हैं, इंसानों से उनके दिल में डर सा बैठा होता है। तो व्यूअर्स, ऐसे पैरेट भी हैंड ट्रिम हो सकते हैं। बस क्या करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, अपने बर्ड को अपनी आदत करानी होती है। तो आदत के लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है, बर्ड के पास रहें, बर्ड के केज के पास रहें, दिन में 5 से 10 मिनट केज के पास खड़े रहें विदाउट कोई मूवमेंट किए, ताकि बर्ड को फील होना स्टार्ट हो कि आपसे डर नहीं लगनी चाहिए, आपसे कोई ख़तरा नहीं है पैरेट को। तो पहले कुछ दिन तो वो वैसे ही नॉर्मली जंपिंग वगैरह करेगा, फ्लाई वगैरह करेगा, पर फ्यू डेज बाद वो आदत हो जाएगी आपकी उसे, तो वो फ्लाई करना बंद कर देगा। पर इस दौरान कोई गलती नहीं करनी, पैरेट को निकाल नहीं लेना या उंगली अंदर नहीं करनी, क्योंकि उसका सिर्फ डर ख़त्म हुआ होता है और तो वो जंगली ही होता है। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि पैरेट को दाना वगैरह दें, कोई अच्छी फीड वगैरह दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैरेट जब फीमिलियर हो जाए, आपको लगना स्टार्ट हो जाए अब बर्ड को ख़तरा नहीं है, डरना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपने स्टेप क्या करना है, आपने स्टिक पे बिठाना स्टार्ट करना है। जैसे हम फिंगर पे बिठाते हैं वैसे स्टिक पे बिठाना स्टार्ट करना है। आप बेशक यहाँ से स्टिक अंदर करें और उन्हें मतलब पैरेट को स्टिक के ऊपर बिठाना स्टार्ट करें। इसके बाद आपने करना क्या है, फ्यू डेज बाद केज के ऊपर हाथ लगा के रखें विदाउट मूवमेंट किए, तो बर्ड को फील हो जाए कि यार ये इस हाथ से मुझे डर नहीं है। फिर कुछ डेज बाद आप बेशक हैंड अंदर करके दाना वगैरह देते रहें, तो बर्ड आराम आराम से आपके हैंड के साथ आदि हो जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट में वो थोड़ा सा बाइट करने की ट्राई करेगा, अगर वो आपको बाइट करता है तो आपने उसे बिल्कुल भी फील नहीं कराना कि आपको बाइट फील हो रही है या आपको पेन हो रहा है, क्योंकि हल्का पुल्का हर एक पैरेट मुंह लगाता है। अब ये देखें जी, ये पैरेट बाइट नहीं कर रहा, वैसे ही मुंह लगा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो सम टाइम बाइट कर भी देते हैं, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। पर ये बातें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले उसका डर ख़त्म करना, फिर उसके बाद उसे हैंड ट्रेन कराना। हैंड ट्रेन कराने का प्रोसेस स्टिक के बाद स्टार्ट होता है। स्टिक से पहले आपने उसका डर ख़त्म करना है, आप दाना देते रहें, दाना डालें बिल्कुल आराम से, जल्दी कुछ भी ना करें, पानी वगैरह दें, उसकी पसंदीदा फूड दें, जैसे कि आजकल फल वगैरह तरबूज है तो यूं पकड़ के उसे दें, वो आएगा, वो आपके हाथ से खा जाएगा। इसके बाद आराम आराम से जब वो आपको पता चल गया है कि वो आपके हाथ के साथ आदि हो गया है, तो बेशक आप उसे फिर उसके बाद दाना हाथ में दें। तो व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल बर्ड को हैंड ट्रेन कराने के ट्रिक्स, ये आप अप्लाई करें, ठीक है व्यूअर्स। कम से कम दिन में 5 से 10 मिनट पैरेट को दें, तो हर एक पैरेट हैंड ट्रेन हो सकता है। मैंने बहुत से जंगली पैरेट भी हैंड ट्रेन किए हैं, तो आप भी हैंड ट्रेन कर सकते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, वसीम खान को इजाज़त दें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।